भाई साहब, जहाँ एक तरफ पूरे देश भर में ही हिंदी फिल्मों को रगड़ रगड़ कर धोया जा रहा है और बॉलीवुड के स्टार्स को जहाँ मिले वही चप्पलों का हार पहनाया जा रहा है, तो इसी बीच साउथ फिल्म इंडस्ट्री वालों ने और एक कंटारा नामक बम इन भांडों के सिर के ऊपर फोड़ दिया है। जिस कंटारा फिल्म को साउथ वालों ने रिलीज किया है, उसे देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और जिसने भी इस फिल्म को देखा वो सीधे तौर पर इन भांडों को यही कह रहा है कि फिल्में बनाओ, लोगों को भूतिया मत बनाओ। आप सभी लोगों ने भी इन बीते कुछ समय में जरूर देखा होगा कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कैसी कैसी फिल्में रिलीज करी हैं, कहां कहां से और हर जगह से कंसेप्ट चोरी कर करके स्टोरियां ढाप ढाप कर फिल्में बनाई हैं। साउथ की फिल्में, साउथ के गाने, साउथ के मूवी सीन्स तक को इन बेशर्मों ने नहीं बख्शा। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सारे के सारे हर बार बुरे तरीके से पिट गए। तो वहीं आप लोग ये भी देख लीजिए, साउथ की जिस कंटारा नामक फिल्म के बारे में अभी मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, उस फिल्म का बजट मात्र 16 करोड़ रुपए था। और क्या आप सभी लोग जानते हैं इस फिल्म ने 16 करोड़ रुपए लगाकर अब तक कितने रुपयों का बिजनेस कर लिया? तो जी मैसिव 158 करोड़ रुपए का। और इस फिल्म को रिलीज हुए 20 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम खत्म ही नहीं हो रहा। भाई साहब, जैसे जैसे और लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे ही इस फिल्म की कमाई दिन दुगनी और रात चौगुनी होते ही जा रही है। भाई साहब, कुछ ऐसे ही भाग खुल जाया करते हैं जब आप एक अच्छी फिल्म बनाते हो, किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते हो और सिंसियर तरीके से जब आप अपना मैसेज फिल्म के रूप में आम लोगों के बीच लेकर आते हो, तो ऐसे ही जनता जनार्दन आपकी फिल्मों को सिर मत्थे चढ़ा लेती है। लेकिन इन भांडों को अब ये सब कौन समझाएगा? गंद मचाने से, फिल्मों के अंदर अश्लीलता फैलाने से, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर कॉन्ट्रोवर्सियां क्रिएट करने से इन नमूनों को फुर्सती कहा है? तो कुछ ऐसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं उर्फी जावेद के जैसी, जो हर आए दिन थोड़ा थोड़ा करके अपना मुंह काला करवा रही हैं। लेकिन अभी जो इनकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ना, जिसे तो मैं आपको दिखा तक नहीं सकता, उस पर्टिकुलर तस्वीर ने तो भाई साहब इनका मुंह काला करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। पहले तो ये मैडम थोड़े थोड़े कपड़े हटा रही थी ना, तो लीजिए भाई साहब अब तो पूरे ही हटा दिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़िए ना भाई साहब, जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।